हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रेन। ट्रेन के बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आज इस वीडियो में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन सीख लेंगे, वो भी फिगर मेथड के थ्रू, ताकि आप कभी भी चीज़ों को ना भूल सके, क्वेश्चन को देखते ही सोल्व करते। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, एक खुशी की खबर भी है। टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल, अपना जो टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल है, ये टॉप 10 में आया है। टॉप 10 एडूट्यूबर्स 2018 में ये लिस्ट जारी किया यूट्यूब ने। तो आपको कैसा लगा ये जानकर कि टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल टॉप 10 में है यूट्यूब पर? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीन बेसिक फॉर्मूले के बारे में, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक सेकंड लगेगी सीखने में, सीख लीजिए क्योंकि बहुत काम आएंगे आगे तक भी। देखिए, जब भी हमें समय निकालना होता है, ठीक है, टाइम निकालना होता है, समय, तो हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल कर देते हैं। यानी कि जितनी दूरी को जिस चाल से हम चलेंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें समय आ जाएगा। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, अपने घर से स्कूल जाएंगे तो जिस डिस्टेंस को आपने कवर किया, जितनी भी दूरी होगी, और जिस चाल से जाएंगे आप उससे डिवाइड कर देंगे उस डिस्टेंस को, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने समय में अपने स्कूल में पहुंच गया। तो समय निकालते हैं दूरी बटे चाल से। चाल कैसे निकालते हैं? अब आपको दे दिया जाए कि आप अपने घर से स्कूल में 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, ठीक है, या बोल दिया 5 घंटे में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे आपके घर से स्कूल की दूरी है 10 किलोमीटर की, तो 10 को आप 5 से भाग कर देंगे तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आपकी चाल हो जाएगी। यानी कि स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दूरी कैसे निकालते हैं? अब आपको अगर समय दे दिया जाए कि अपने स्कूल से, अपने घर से अपने स्कूल तक आप इतने मिनट में चले जाते हैं, इतने घंटे में चले जाते हैं, और इतनी चाल से जाते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी दूरी आ जाएगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम गुणा स्पीड, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा फॉर्मूले आपके, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेन चैप्टर की। ट्रेन चैप्टर में यहाँ पे अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। अगर समझ गए तो आगे तक जाओगे, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगर यहीं से आप ये फॉर्मूला रटने की कोशिश करोगे तो यहीं तक रह जाओगे, बस इसे रटने रटने में रह जाओगे, ठीक है। तो रटना कुछ नहीं है, हर एक चीज़ फिगर के थ्रू समझाऊंगा। अब यहाँ पे पहले टाइप का क्वेश्चन, जब ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी भी खड़ी हुई चीज़ को पार करे, किसी भी आदमी को पार करे, जिसकी लंबाई, मतलब जिसकी कुछ चौड़ाई ना हो, ऐसे कुछ चौड़ाई ना हो जिसकी चौड़ाई काउंट ना की जा सके, ठीक है भाई। एक खंभा है, खंभा कितना का होता है, कुछ इंच का होता है, ऐसे उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई तो नहीं होती ना कि इतना चौड़ा हो गया कि 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। अगर किसी भी पतली चीज़ को पार करेगी, हाँ, यहाँ मोटी सी भाषा में आप समझिए कि किसी ट्रेन, कोई भी ट्रेन कभी किसी पतली चीज़ को जब पार करती है तो हमें पूछा जाए कि उस पतली चीज़ को कितनी देर में पार करेगी ट्रेन। तो आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई, जो भी ट्रेन की लंबाई होगी उसको ट्रेन की चाल से ही भाग कर देना है, तो आपका समय आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पता होगा 50-60-70% बच्चों को तो पता होगा ये चीज़। नहीं पता था तो जान लीजिए, ये भी चीज़ होती है बहुत ही बेसिक सी, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला। दूसरे वाला मेथड, मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप है आपका, जब ट्रेन किसी लंबी चीज़ को पार करती है जिसकी लंबाई हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जब जिसकी लंबाई हम ले सकते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं? मान लीजिए एक ब्रिज है, ये आपका पुल है। अब बोला यहाँ पे एक ट्रेन इस पुल को कितनी देर में पार कर जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, फिक्स है, एक जगह आपका पुल है, वो फिक्स है, वो चेंज तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, दोनों को प्लस करके रेलगाड़ी की चाल से भाग कर दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, जब भी ट्रेन किसी लंबी चीज़ को पार करेगी तो उसकी भी लंबाई को हमें ले लेना है और रेल की चाल से ही भाग करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप भी हमारा कवर हो गया है, जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे बहुत ही जल्दी टाइम में, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में मूव करें, यानी कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं वो, या तो देखिए, एक तो ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है आदमी, कोई भी पतली चीज़ जिसकी कुछ लंबाई ना हो, तो एक तो ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक दो ट्रेन भी मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ट्रेन की तो लंबाई होती है ना, बात यहाँ पे है कि दोनों के दोनों की कुछ चाल है,
अब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही, एक आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब पूछा जाए कि ये इस आदमी को ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी। तो इस आदमी की कुछ लंबाई तो नहीं है ना, मतलब ऐसे लेंथ तो नहीं है ना, इसकी कुछ चौड़ाई तो नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, अब आपको लेना है रेल की लंबाई को ही लेना है, यानी कि जब भी कोई पतली चीज़ को ट्रेन पार करेगी ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही लेंगे। इस चीज़ को देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। बट चाल अब यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। भाई चाल वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लाइए वीडियो पे, यहाँ पे फोकस डालिएगा। जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाएंगे, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, तब दोनों की चाल का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है जब एक ही दिशा में जाएंगे, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रही है ट्रेन भी, तो दोनों की चाल का डिफरेंस लेंगे तो आपका समय आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक आदमी जा रहा है इस दिशा में, उसी दिशा में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में पार कर देगी। तो भाई ट्रेन की तो लंबाई होगी ना, तो ट्रेन की लंबाई आपको लेनी है, डिवाइड किससे करना है। अब ये भी तो चल रहा है ना, पहले जो हमने सबसे टाइप पहले टाइप को क्वेश्चन देखा था उसमें आदमी खड़ा था, अब ये भी चल रहा है, तो चल रहा है उसी डायरेक्शन में, अगर चल रहा है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा टाइप भी हो गया। चौथे टाइप में अब आपका आता है दो मूविंग ऑब्जेक्ट जिनकी दोनों की लंबाई हो। अब इसकी भी कुछ लंबाई है, इसकी भी कुछ लंबाई है, दोनों की लंबाई है ना, तो दोनों की लंबाई है, तो दोनों की लंबाई को तो सबसे पहले प्लस कर लीजिए। जब भी, अब एक यहाँ पे चीज़ समझिए, मैं हर बार बोल रहा हूँ लंबाई और यानी कि दोनों की लंबाई है तो दोनों को प्लस कर लीजिए। अगर एक की लंबाई नहीं है और ट्रेन की लंबाई है, लंबाई किसी की भी हो सकती है, वो आपका ट्रेन भी हो सकती है या फिर कोई दूसरा भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी बस भी हो सकती है, क्या पता कोई बस हो आपकी 500 मीटर की, 100 मीटर की, वो भी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं और दोनों की लंबाई हो, तो दोनों की लंबाई को प्लस कर देना है। मतलब लंबाई तो हमेशा प्लस ही होगी अगर दोनों की लंबाई है, ठीक है, बट चाल अगर एक ही दिशा में है तो माइनस होगी, अगर दोनों अपोजिट दिशा से आ रही है तो प्लस हो जाएगी। अभी दोनों अपोजिट दिशा वाला भी मैं बताऊंगा, पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो दोनों की चाल का डिफरेंस लेना है तो समय आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन टाइप आ गया पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अभी इनके जब टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे है, जब जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की दिशा में चले, यानी कि अपोजिट दिशा में आए। अब दो मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए, इसकी भी कुछ लंबाई है, इसकी भी कुछ लंबाई है, ठीक है, तो जब दोनों की लंबाई एक दूसरे की दिशा में चलेंगे, तो दोनों की लंबाई को प्लस करना है। लंबाई तो दोनों की है ना, तो दोनों की लंबाई को प्लस कर दीजिए। बट जब दोनों की चाल भी हो, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ को आ रहे हो, तो दोनों की चाल को प्लस कर देते हैं। अभी मैंने क्या बताया ऊपर वाली लाइन में, कि जब एक दिशा में जाते हैं दोनों के दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि इसको इसमें से माइनस कर दीजिए या इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, डिफरेंस लेंगे। जब एक दूसरे की तरफ को आएंगे तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। समझ गए ना, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्या मैं आपको अभी तक समझा रहा था। देखिए 5 से 6 7 मिनट जरूर लग गई, पर चीज़ें एक एक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं तो आप हर बार पूछोगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे इस पूरी की पूरी सीरीज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सारे टाइप के क्वेश्चन देखिएगा, आप शुरू में ये मत बोलिएगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं जाता, सारे टाइप के कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एक वीडियो और लेके आऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। सबसे पहले क्वेश्चन की फिगर पे जाइए, ये दे रखा है 300 मीटर, ये दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे इसका मतलब ये है कि आपका जो 300 मीटर है, ये तो मीटर हो गया, ये किलोमीटर हो गया, तो इसको भी किलोमीटर को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर में दे रखा है ना, तो यहाँ पर ये किलोमीटर में होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि शुरू में सारी चीज़ें बता देता तो ये आपको कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले तो एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि एक खंबे को पार करती है, तो कितने टाइम में पार कर लेगी आपसे पूछा है, तो
ट्रेन की लंबाई है आपकी 30 मीटर की, खंबे की कुछ लंबाई नहीं है और खंबा एक जगह पे खड़ा है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो क्या करेंगे, समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई अपोन में रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। ये सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा। तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका फिक्स है, इसको रट लीजिए कि जब भी किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 कर देंगे। भाई एक बार वो बता देता हूँ, जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाएंगे, किलोमीटर पर आर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी धीरे धीरे आप सब चीज़ सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई अपोन में रेलगाड़ी की चाल, तो 300/200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है भाई, ये 72 को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बार जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। 300 मीटर को जब 20 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो 15 सेकंड में इस खंबे को पार हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब एक ट्रेन किसी लंबी चीज़ को पार करे तब कैसे करना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी। मैंने क्या बताया था, जिसकी लंबाई होगी तो लंबाई को तो दोनों की प्लस कर देंगे, सबसे पहली चीज़। तो दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो इनकी लंबाई है वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 54 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से 54 जाएगा 3 बार, 3 की 5 में करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। यानी कि क्या करूँगा मैं, इन दोनों को प्लस करूँगा, 320 और 450 को प्लस करेंगे, 15 से भाग कर देंगे, तो 770 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा, 51.33 सेकंड, यानी कि इतने सेकंड में ये ट्रेन इस पुल को पार कर जाएगी, ठीक है भाई। जब भी लंबी चीज़ को पार करेंगे तो कब कैसे करना है, इन दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे और रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में मूव करते हैं, ये भी इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है, यदि तेज रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धीमी रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा ये दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो तेज रेलगाड़ी कितने समय में धीमी रेलगाड़ी को पार कर देगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक ही दिशा में मूव कर रही हैं दोनों की दोनों रेलगाड़ी, तो अब आपको यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि ये कैसे मतलब होगा कि ये जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी है धीमी रेलगाड़ी वाली को कितनी देर में पार कर जाएगी। मैंने आपको बताया, जब भी दोनों की लंबाई ली जा सकती हो तो सबसे पहले तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई प्लस कर लेंगे, चालों में अंतर लेंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में जा रही है, तो बन गया ना सिंपल, कोई फॉर्मूला रटने की तो ज़रूरत नहीं है। तो 100+80 को तो हमने प्लस कर लिया, अब दोनों चालों का अंतर लेंगे, अब ये किलोमीटर पर आर में, ये भी किलोमीटर पर आर में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे अंतर, ठीक है, और जो भी अंतर आएगा उसी को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 की गुणा करके। तो 72 में से मैंने 54 को माइनस किया, 18 आ गया, 72 में से 54 जाएगा 18, 18 को मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगी चाल। तो आपको क्या करना है, 100+80 तो 5 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180/5, तो 36 सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 36 सेकंड इज़ द राइट आंसर, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, और मतलब आप लगा लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आप समझे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं आपको समझाता हूँ एक एक लाइन। दो रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में मूव कर रही है, एक की 56 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, दूसरे की 29 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, रेलगाड़ी को नहीं बोला यहाँ पे कि रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर जाएगी, रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है,
तो इस व्यक्ति को ये वाली रेलगाड़ी कितनी देर में पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और सॉरी, ये 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो लंबाई पूछी है। तो जो ये आदमी यहाँ पे बैठा है ना, अब हमें क्या मतलब है, अब थोड़ा समझिएगा। ये वाली जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, इस व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करके जा रही है जो इस ट्रेन में बैठा है। तो हमें इस ट्रेन से कोई मतलब नहीं रहा पूरी की पूरी से, हमें बस इस व्यक्ति से रह गया है, ठीक है। यानी कि जो ये चाल है ना 29 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इस आदमी की बन गई, इस ट्रेन की छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे से ट्रेन ने ही पूछा है। अब जब ट्रेन को पार करेगी तो अलग टाइम आएगा, अब इस केवल व्यक्ति को पार करेगी तो अलग टाइम आएगा। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में मूव करते हैं, वो वाली, और जिसमें एक की लंबाई नहीं ली जाती है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। भाई आप मुझे ये बताइए, एक आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को लेंगे बस और ट्रेन की चाल से भाग कर देंगे, ये तो करेंगे ना। तो यहाँ पे जो आदमी मूव कर रहा है ना, ये वाला आदमी जो इसमें बैठा है, तो ये पूरी की पूरी ट्रेन को नहीं निकालेंगे, क्योंकि ट्रेन को अगर निकालेंगे तो अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। दोनों की लंबाई को प्लस करते हैं, पर यहाँ पे दोनों की लंबाई प्लस नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हमें जो बताया गया क्वेश्चन में, वो ये बताया गया कि इस व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो सिर्फ हम 16 सेकंड वाले व्यक्ति को ही लेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और चालों का अंतर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डाउट लगेगा तो पूछ लीजिएगा भाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने ले ली यहाँ पे L, ठीक है, क्योंकि यही हमें निकालना है। समय है हमारा 16 सेकंड, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 56 में से 29 को माइनस करेंगे 27, 27 की गुणा 5/18 में करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आया है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 18 से ये जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो कितना हो, 7.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे बस डिवाइड कर दीजिए, 16 बराबर कितना हो जाएगा, एल अपॉन को 7.5 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एल बराबर 120 मीटर आ जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 120 मीटर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कल फिर एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा, क्योंकि कल भी एक वीडियो आएगी ट्रेन चैप्टर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी। अब मनुष्य आ रहा है ना, इसकी कुछ लंबाई तो नहीं होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होगी उसी को रेलगाड़ी की चाल से भाग कर देंगे। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट है दोनों के दोनों, और एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, तो दोनों की चाल प्लस होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की चाल का योगफल, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की, जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को जाते हैं तो दोनों की चालों को प्लस कर देते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 270, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 27, तो 27 को 5/18 से करेंगे तो 7.5 आपका आ जाएगा। तो 270 को 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो 36 सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 है आपका, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर लेगी। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक इधर से जा रही है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, तो कितने समय, कितने सेकंड में पार कर लेगी। भाई हमें पहले वाली ट्रेन की चाल नहीं दी है ना, तो अगर चाल नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपको ऑप्शन लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना है, ठीक है। जब भी आप कभी भी क्वेश्चन करें तो आपको चार चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो पता होनी चाहिए क्वेश्चन में, अगर पता नहीं है तो कुछ ना कुछ डाटा को मिला के निकाल सको आप, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की लंबाई तो दे दी पर उसकी चाल नहीं दी है, और उसका ऐसा कोई डाटा भी नहीं दिया जिससे चाल निकाली जा सके, तो इस ट्रेन की चाल नहीं निकाली जा सकती, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर बढ़ती है। देखिए, ए और बी मैंने दो स्टेशन बनाए, 500 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में है, ठीक है भाई। ये ए से बी की तरफ जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बी से ए की तरफ जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है
बी की ओर जाते हैं। एक अन्य रेलगाड़ी बी से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ को जाती है, मैंने आपको बताई दिया है। दोनों रेलगाड़ी के क्रॉस करने के स्थान की ए से दूरी कितने किलोमीटर की होगी, यानी कि ये कहीं ना कहीं बीच में क्रॉस करेंगे, आपको बताना है कि ए से कितनी दूरी पर होगा ये क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 500, तो 500, और यहाँ पे आपको समय बताना, समय निकालना है, बताना नहीं, समय निकालना है कि कितनी देर में इसको ये दोनों क्रॉस करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों की चाल को प्लस करेंगे क्योंकि एक दूसरे की तरफ को जा रहे हैं। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और आपको 500 को 50 से भाग करना है तो कितना हो जाएगा 10 घंटे में, यानी कि दोनों के दोनों कितनी देर में मिलेंगे 10 घंटे में कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कितनी देर में 10 घंटे में। अब अगर ये 10 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि ये 10 घंटे में कितना चल सकता है, ये 10 घंटे में चलेगा 200 किलोमीटर, यानी कि इधर से 200 किलोमीटर आया होगा और ये 10 घंटे में कितना चलेगा 300 किलोमीटर, यानी कि इधर से 300 किलोमीटर आया होगा, तब जाके कहीं पे बीच में मिले होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर 200 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, वीडियो में मज़ा आ रहा है ना, अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ को आते हैं और दोनों की लंबाई होती है, तो क्या मैंने बताया था आपको, दोनों की लंबाई को प्लस कर दीजिए, चालों का भी दोनों को प्लस कर दीजिए और भाग कर दीजिए। कितना इजी सा क्वेश्चन था ये, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखिए चाल, और लंबाई है मीटर में आपकी 180 मीटर। तो यहाँ का क्या करना है, 180 प्लस 240 को प्लस करना है, और ये दोनों की दोनों को प्लस करेंगे 38, देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, 38 प्लस 34 कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 × 5/18 से आप करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा चाल, ठीक है। तो 180 प्लस 240 को 20 मीटर पर सेकंड से भाग करेंगे तो 420 को 20 से भाग कर दीजिए, 21 सेकंड आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है, मैंने लिखा है इस पर वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि जो बच्चा यहाँ तक आता है ना, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पूरी वीडियो देखता है, उसको मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ जो सारे के सारे बच्चे नहीं ले सकते, जो वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं या फिर वीडियो को पूरा नहीं देखते, उनको कभी नहीं मिल पाती वो चीज़, ठीक है। तो सीख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 9 को करना आसान है, पर क्वेश्चन हमेशा गलत करते हैं बच्चे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो बताओ पहले ट्रेन के ड्राइवर, यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन के कितने समय में पार करेगी। जो पहली ट्रेन का ड्राइवर है उसे दूसरी ट्रेन का ड्राइवर कितने समय में पार करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आ चुका है, कैसे करते हैं सीख लीजिए। जो पूरा लास्ट में लाइन लिखी है ना, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन छिपा है, क्योंकि ऊपर वाला तो नॉर्मल ही है। पहले ऊपर वाला देख लीजिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, ठीक है। एक दूसरी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, जो कि एक दूसरे की तरफ को जा रही है, तो दोनों की चाल को हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं। बट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इस लाइन में छिपी है वो सारी चीज़, बट इनकी चाल को प्लस करेंगे, चाल को पहले प्लस करके उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 40 प्लस 32 को मैंने प्लस किया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करके 20 मीटर पर सेकंड में मैंने बदल लिया। अब यहाँ पे बात आती है, इन दोनों की चालों को प्लस क्यों नहीं करेंगे, ये इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पे बोला है, तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन के ड्राइवर कितने समय में पार करेगी, ये आपसे पूछा है। तो पहली ट्रेन के ड्राइवर ये हो गया, दूसरी ट्रेन का ड्राइवर आएगा, इस पहली वाली को पार कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर ड्राइवर के क्रॉसिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे ट्रेन की क्रॉसिंग की बात नहीं की जा रही। अगर ट्रेन के क्रॉसिंग की बात नहीं की जाती है, सिर्फ ड्राइवर ड्राइवर की बात की जा रही है, या फिर किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति की बात की जा रही है, तो आपको सिर्फ उस ट्रेन की लंबाई लेनी है जो कि उसे दूसरे वाली ट्रेन क्रॉस करती है। यानी कि दोबारा बोलता हूँ, उस ट्रेन की लंबाई लेनी है
जिस ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को पार करेगा। तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखिए, तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन का ड्राइवर कितने समय पार करेगा, तो सिर्फ लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आपको लेनी है। समझे आप इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पे सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी है, 180 मीटर लंबी है, तो 180 को आपको भाग करना है 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपका 9 सेकंड राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 9 सेकंड में सेकंड ट्रेन का ड्राइवर फर्स्ट ट्रेन के ड्राइवर को पार कर जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन लास्ट वाला, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आपके इस छोटे से लाइक से, छोटे से सपोर्ट से बड़ा उत्साह मिलता है मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसी आपकी हेल्प करता रहूँगा, बस आप भी हमेशा लाइक और शेयर करके सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो जल्दी से नाम नोट कर लीजिए मेरा, SAURABHMALIK, ठीक है, और 17K। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए सौरभ मलिक 17K, किसी में भी स्पेस मत दीजिएगा, और वहाँ पे फटाफट मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में कोई भी फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, या फिर आप सौरभ मलिक फेसबुक पे भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मुझे कुछ भी भेजते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।